हेलो गाइस, यू आर कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो और कुछ ज्यादा ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की सारे वीडियो के अंदर भाई मैं आपको कुछ इस टाइप की लोगो डिजाइन करना सिखाने वाला हूँ आपके पिक्सल लैब ऐप से। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक और बहुत ही ज्यादा कमाल के तरीके से यानी कि प्यार से जरूर वॉच करना, क्योंकि भाई होता है कभी कभी गुस्से में भी होता है लोग जो है गुस्से नहीं गुस्से में, तो ऐसा मत करो दोस्त, गुस्सा मत करो। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना भाई, पर्सनल बातों में आ गए। तो लेट्स बिगिन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका गवाए। तो वही सबसे पहले आपको आपका पिक्सल लैब ऐप ओपन कर देना होगा। तो पिक्सल लैब ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इसे स्क्वायर की साइज इंक्रीज कर देनी होगी, तभी हमारा जो लोगो है एकदम बढ़िया तरीके से बन पाएगा। तो साइज इंक्रीज करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर स्पोर्ट्स वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा और इस इमेज साइज में क्लिक कर देना होगा। यानी कि जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर कस्ट्यूम में क्लिक कर और यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल वाले साइज सेलेक्ट कर ओके में क्लिक कर देना होगा। तो बस कह दिया, जैसे कि आप इतना प्रोसेस कर लेते हो तो यहाँ पर आपकी जो साइज है यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया सी बात। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, इस न्यू टेक्स्ट में डबल क्लिक कर देना होगा जल्दी जल्दी में, वो भी ये भी सुन लेना। तो जैसे आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर इरेज कर देना होगा और यहाँ पर सिंपल से एन टाइप कर देना होगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कैपिटल लेटर्स में, तो कैपिटल में बहुत ज़्यादा अच्छी सी नज़र आती है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस ए वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो बेसिकली मैं जो इस पर एक स्टाइल यानी कि फॉन्ट ऐड करने वाला हूँ, तो फॉन्ट ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना, स्टाइल से थोड़ा बहुत आपको नीचे आ जाना होगा और इस फॉन्ट वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा यानी कि ए बी वाले में। तो सिंपल इसमें आपको क्लिक कर देना होगा, तो क्लिक करने के बाद इस पर आपको फॉन्ट लगा देना होगा। तो वैसे तो आप जो भी चाहो लगा सकते हो, बट ये वाला आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फॉन्ट और एकदम पावरफुल सा फॉन्ट देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है एमेथेस्ट बोल्ड। तो ये वाला लगाने के बाद आपको ओके में क्लिक कर देना होगा। तो चलो भाई यार, इतना काम देने वाले इसके हम थोड़ी बहुत साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस रिलेटिव पोजीशन वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा और दोनों इस बीच वाले में क्लिक करके इसको सेंटर पर सेट करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तो चलो गाइस यार, इतना काम कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस ऑक्टागन वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा और इस इंपोर्ट में क्लिक कर देना होगा। तो इनकी जैसे आप इंपोर्ट वाला आइकन में क्लिक कर लेते हो तो यहाँ से आपका जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, गैलरी से यहाँ पर आपको एक विंग्स का पीएनजी ऐड करना होगा। अगर आपको वो विंग्स वाला पीएनजी चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी जाकर बता देना। कॉमेंट में यार क्या ही करोगे, तो बस आपको पिक्सआर्ट ऐप से डाउनलोड कर दीजिएगा पिक्सआर्ट ऐप। तो मैक्सिमम लोगों को बताऊंगा कि भाई पिक्सआर्ट ऐप कौन सा है, जिनको लोग पता नहीं तो वो डाउनलोड कर दीजिएगा प्ले स्टोर से। तो मैं जो है पीएनजी कुछ इस टाइप की सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो फिर सिंपल आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक कर देने के बाद इस टाइप से इसकी या इस टाइप से नहीं, इस टाइप से इसकी थोड़ी बहुत साइज इंक्रीज कर देनी होगी और इस टाइप से यहाँ पर इसको आपको लगा देना होगा, जैसे कि भी आप देख सकते हो थोड़े बहुत और साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। और अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से लगाने के लिए इस रिलेटिव पोजिशन वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा और दोनों बीच वाले में क्लिक कर सिंपल राइट में क्लिक कर देना होगा। तो बस आप ये है हमारा फुल साइज सेंटर। तो अभी आपको ऊपर इस लेयर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद राइट ऑन में क्लिक करके इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना होगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैं इस दोनों को मर्ज कर लिया हूँ आपस में, अभी ये एक ही आइकॉन है। तो बेसिकली हम इस पर यानी कि इसका कलर हम चेंज करने वाले हैं, तो चेंज करने के लिए इस चार्ज थोड़ा बहुत नीचे देना होगा और इस टेक्सचर में क्लिक कर देना होगा और इस गैलरी वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो बेसिकली यार पिक्सआर्ट जो ऐप मतलब कि पिक्सल ऐप जो यूज़ करते हैं उन लोगों को बताओगे कि भाई गैलरी से हम जो भी कलर सेलेक्ट करते हैं टेक्सचर में क्लिक कर वो कलर इस पर लग जाता है। तो जिन लोगों को पता नहीं न्यू है, तो भाई ऐसे भी होता है पिक्सआर्ट मतलब कि पिक्सल ऐप से। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वो वाला कलर यानी कि कलर पीएनजी सेलेक्ट कर आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि कौन सा मैं जो है लगाने वाला हूँ। तो डन गाइस, फाइनली अभी आप देख सकते हो मैंने एक गोल्डन पीएनजी सेलेक्ट कर लिया हूँ, कलर पीएनजी एक्चुअली। तो सिंपली आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक कर देने के बाद अभी आप देख सकते हो मस्त लुक से एकदम इस पर जो है लग चुका है अपना कलर, गोल्डन कलर हो गए हैं मस्त एकदम खतरनाक। तो अभी आपको स्पोर्ट्स वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो बेसिकली इसका जो पीछे वाला बैकग्राउंड है चेंज करना है, अभी भाई बैकग्राउंड तो खच्चड़ ही है एकदम। तो अभी आपको इसे फ्रॉम गैलरी में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो गैलरी ओपन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर आपको वो वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना होगा जो भी आप इस पर लगाना चाहते हो। तो लेट्स गो गाइस यार, मिलता हूँ। तो ऑल राइट गाइस यार, फाइनली भी आप देख सकते हो मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो सिंपली आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो चलो गाइस यार, फाइनली भी आप देख सकते हो बैकग्राउंड भी हमारा लग चुका है यहाँ पर। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ऑक्टागन वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा और इस टाइप से थोड़ा बहुत नीचे आ जाना होगा। तो आ जाने पर सबसे पहले आपको कलर फिल्टर्स में क्लिक कर देना होगा और इसकी सैचुरेशन आपको 100 करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तो फिर इस टाइप से थोड़ा बहुत नीचे अगर स्टॉक में क्लिक कर देना होगा, इसको यहाँ पर इनेबल कर देना होगा। कलर इसका आप जो भी चाहो वैसे तो रख सकते हो, बट ब्लैक इज
बेटर देन मतलब के और कलर से। तो सिंपल है आपको राइट में क्लिक कर देना होगा, तो सिंपल इस स्टेप से थोड़ा बहुत नीचे आ जाना होगा और अभी आपको कुछ नहीं करना, इस 3D शेप में क्लिक कर देना होगा, इसको यहाँ पर एनेबल कर देना होगा। इसकी जो डीप गहराई है उसको यहाँ पर आपको 3% ओनली करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तो इस स्टेप से थोड़ा बहुत और नीचे आ जाना होगा और अभी आपको शेडो वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा, इसको यहाँ पर आपको एनेबल कर देना होगा। तो कर देने के बाद इसकी जो ब्लर रेडियंस है उसको आपको कर देना होगा बिल्कुल 10%। तो 10% कर देने के बाद अभी इसकी जो ऑफसेट है एक्स है उसको आपको कुछ इस स्टेप से बढ़ा देना होगा, लगभग इसको कर देना होगा, यानी कि इसकी ब्लर रेडियंस आपको थोड़ी बहुत कर देनी होगी, यानी कि 7%, और इसकी ऑफसेट एक्स को कर देना होगा, चलो गाइस 9%, एंड ऑफसेट वाई को कर देना होगा, चलो 13%, यानी कि 13। तो सिंपल राइट में क्लिक कर देना होगा। तो चलो गाइस इधर इतना काम कर देने के बाद भी आपको इनर शेडो में क्लिक कर देना होगा, इसको इनेबल कर देना होगा, इसकी जो ब्लर रेडियस है इसको यहाँ पर 0% कर देना होगा, और इसकी ऑफसेट एक्स को 1 और ऑफसेट वाई को भी 1 करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तो चलो गाइस इधर इतना कर देने के बाद भी आपको रिलेटिव पोजिशन में क्लिक कर देना होगा, इसको सेंटर पर सेट करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तो चलो गाइस इधर फाइनली भी आप देख सकते हो हमारा लोगो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से और एकदम खतरनाक लुक के तैयार हो गए, यानी कि बनकर रेडी हो गए हैं, दोनों एक ही बात है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी, भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी जाकर लाइक जरूर कर देना, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो भाई वीडियो तो पसंद आया है जरूर आपको, और प्लीज़ आ चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।